1774 में फ्रांस की राजगद्दी सौंपी गई लुई द 16th को और उनकी रानी बनी ऑस्ट्रियन प्रिंसेस यानी कि मैरी एंटोनेट। फ्रांस की सोसाइटी में लेकिन दिक्कतें चल रही थी, वॉर की वजह से फाइनेंशियल बर्डन था और सोसाइटी तीन भागों में डिवाइडेड थी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट के लोगों को क्लर्जी कम्युनिटी बोला जाता था, सेकंड के नोबिलिटी और थर्ड के कॉमन पीपल। सारा का सारा इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्सेस भरना पड़ता था कॉमन लोगों को, इसीलिए वो राजा रानी से बहुत ज्यादा खुश रहते नहीं थे। ओवर पॉपुलेशन और फूड शॉर्टेज की वजह से लोग और भी गुस्से में थे फ्रांस के, और धीरे धीरे उन्हें फ्रेंच फिलोसफर्स की बातें यानी कि सोसाइटी में इक्वालिटी होनी चाहिए और फ्रेटर्निटी होनी चाहिए ये भी समझ में आ रही थी। ऐसी ही सिचुएशन में राजा साहब ने सोचा क्यों ना टैक्सेस और बढ़ा दिए जाए। 5 मई 1789 को उन्होंने स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई और वहां पे तीनों सोसाइटी तीनों स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव भी बुलाए। थर्ड स्टेट के 600 रिप्रेजेंटेटिव ने राजा से मांग की कि प्लीज आपको टैक्सेस बढ़ाने ही है तो वन मेंबर वन वोट की पॉलिसी फॉलो कीजिए। राजा ने बोला नहीं और इसी से लोग गुस्सा होकर थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग छोड़ के चले गए। आगे क्या हुआ मैं बताऊंगी पार्ट 2 में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। सी यू।